स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग थिंग को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे पहला लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो मैटर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं। एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी इतना छोटा होता है कि वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, और हर एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और कुदरती तौर पर 100 से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। 16 एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं वो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस जो होते हैं उनको बेसिक एलिमेंट्स कहा जाता है लाइफ का। नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब एटम्स आपस में बाइंड होते हैं, यानी मिलते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायो मॉलिक्यूल्स, यानी ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो और एक कहते हैं मैक्रो। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड जो होते हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटे और मैक्रो का मतलब होता है बड़े। तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये फैटी एसिड्स हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और यही माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।